वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा के एग्जाम पैटर्न को लेकर साथियों ऑफिशियली जो नोटिस है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी कर दिया गया है। अभी साथियों 31 जनवरी से एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, किनके एग्जाम हो रहे हैं, इसमें क्या पैटर्न रहने वाला है, किस प्रकार का पेपर आने वाला है, क्योंकि आपके जो एग्जाम होंगे तो आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कंपलसरी पेपर है उसका पैटर्न अलग है, जो आपके थ्योरी वाले पेपर है उसका पेपर अलग है। बाकी सारी इंफॉर्मेशन जो इस एग्जाम के बारे में जो आपको जानना चाहिए वो सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस सरल भाषा में आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्प लाइन के एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। वीओएमयू के स्टूडेंट्स या डिस्टेंस एजुकेशन या जॉब संबंधी लगातार अपडेट्स आप पाना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसका यह बेनिफिट होगा कि आपको हर अपडेट मिलेगी सबसे पहले और बिल्कुल ही जो आपके काम की चीजें हैं उसकी सारी डिटेल के साथ मैं आपका वीडियो अपलोड करता हूं, तो आपको इससे इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो अब हम बात करते हैं साथियों, ये वीओएमयू जो एग्जाम होने वाला है ये किनका एग्जाम हो रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा जो मुझे देखने को मिलेंगे जो आपका जो कंफ्यूजन रहेगा वो इसी प्रकार का रहेगा। तो लगभग एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं, उससे पहले हम देख लेते हैं ये साथियों दिसंबर 2022 एग्जाम है आपका ये, और ये उन लोगों का एग्जाम हो रहा है जिन्होंने जनवरी 2022 सेशन में जिन्होंने भी एग्जाम लिया किसी भी कोर्स में, वो चाहे डिग्री डिप्लोमा जो भी है आपके कोर्स में, अगर आपने एडमिशन लिया है तो आपके ये एग्जाम होने वाले हैं। उस एग्जाम को दिसंबर 2022 एग्जाम बोला जाता है। और यहाँ पर आपको साथियों कंप्लीटली 31 जनवरी से आपके जो एग्जाम के पेपर है वो स्टार्ट होने वाले हैं। सबसे पहले कंपलसरी के पेपर हैं, मॉर्निंग शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट ये दो शिफ्टों का पेपर है, और टोटली ये टाइम टेबल आपका 4 मार्च तक का जो है कंप्लीटली टाइम टेबल यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी कर दिया गया है, उसी हिसाब से आपके जो है कंप्लीटली एग्जाम होने वाले हैं। तो यहाँ पर ये बातें आप सारी समझ चुके होंगे। और अभी हाल ही में अगर आपने डिफॉल्टर फॉर्म जो भी निकले थे तो उन डिफॉल्टर फॉर्म को भी अगर आपने अप्लाई किया है तो भी आपके एग्जाम इनके साथ ही लगने वाले हैं। ये बात आपकी क्लियर हो चुकी होगी। अब हम बात कर लेते हैं आपका पेपर किस प्रकार से आने वाला है। तो साथियों ये तो नोटिस जो यूनिवर्सिटी की तरफ से अपलोड किया गया ये 25 जनवरी 2023 का है, लेकिन दो हफ्ते पहले ही मैंने वीडियो बनाकर आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे दी है। मैंने डेमो पेपर के साथ वीडियो बताया था कि इस प्रकार का एग्जाम पैटर्न अभी रहने वाला है। तो आप हमारे चैनल से जुड़े हुए यही बेनिफिट है, आपको जो चीजें आने वाली होती है वो जो चीजें होती है वो कंप्लीटली अनुमान के आधार पर मैं कई बार चीजें जो है सारी आपको एक्यूरेट बता पाता हूँ। तो इस बात से अगर आपको कुछ काफी बेनिफिट्स मिला हो तो कमेंट्स कीजिएगा ताकि हमें और हौसला अफजाई हो सके और हम अच्छे से और काम कर सके। अब हम बात करते हैं दिसंबर 2022 के आयोजन है तो सूचना यहाँ पर क्या प्रकार की, किस प्रकार से यूनिवर्सिटी की तरफ से सूचनाएं दी जा रही है। तो आपकी जो एग्जाम है वो 31 जनवरी 2023 मंगलवार से स्टार्ट हो रही है। समस्त पाठ्यक्रमों की जो परीक्षाएं हैं साथियों दो पारियों में आयोजित होगी, वो मैंने बता ही दिया टाइम टेबल में क्लियर था। उसके बाद ये जो है परीक्षा की अवधि 2-3 घंटे की है। पहले आपका 1.5 घंटे के पेपर होते थे तो वहाँ पर पेपर अलग टाइप का था, अभी 3 घंटे की है तो आपका फुल पेपर होने वाला है जो पहले की तरह होते थे उसी प्रकार का। प्रथम पारी का समय 9 से 12 है और द्वितीय पारी का समय 2 से 5 बजे तक आपका रहने वाला है। उसके बाद अगर हम अगले क्रम में देखें, अगला पॉइंट नंबर 2, प्रश्न पत्रों में उल्लंखित खंड अ व स होंगे, प्रश्नों को हल करने के विकल्प पूर्णांक संबंधी निर्देश प्रश्न पत्र में दिए गए हैं। मतलब आपको पेपर में सारे निर्देश मिल जाएंगे, लेकिन मैंने आपको पूरा डेमो पेपर के साथ बता रखा है, मैंने वो लिंक है वो मेंशन कर दूंगा, तो वहां पर मैंने पूरे डेमो पेपर के साथ आपको बता रखा है किस प्रकार से पार्ट ए बी सी रहने वाले। अभी हम एक बेसिक सी बात कर लेते हैं, चाहे आपका कोई भी थ्योरी का पेपर हो आपको 3 घंटे मिलेंगे पेपर करने के लिए, पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी तीनों पार्ट है। इसकी अगर बेसिक सी बात करो तो ये 30 शब्दों की लिमिट का होता है। पार्ट ए छोटे मतलब अति लघुरात्मक प्रश्न, पार्ट बी मतलब लघुत्तर प्रश्न, पार्ट सी मतलब जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं जो 500 शब्दों की लिमिट होती है। इनको आपको 500 शब्दों में लिखना है, इनको 200 शब्दों में लिखना है, और ये आपको 30 शब्दों से कम मतलब एक शब्द या अब एक वाक्य जैसे भी आपका जो एक लाइन में आपको आंसर रिटर्न इसमें करना होता है। और इसमें पार्ट ए वाले सारे प्रश्न कंपलसरी होते हैं, पार्ट बी में आपको कंप्लीटली 8 क्वेश्चंस मिलेंगे, उन 8 में से आपको 4 सॉल्व करने, पार्ट सी में भी बड़े क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे कंप्लीटली 4 क्वेश्चन मिलेंगे, और पार्ट सी में उन 4 में से आपको 2 क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना है, और पार्ट सी निबंधात्मक प्रश्न भी इसकी बार इसमें इंक्लूड हो गए। तो ये मैंने आपको पार्ट ए बी सी तीनों पार्ट के क्वेश्चन हैं, आपको ब पार्ट में 4 क्वेश्चन मिलेंगे, स पार्ट में 2 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, 4 में से कोई भी 2 आप सॉल्व कर सकते हैं। बाकी वो डेमो पेपर वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें और आपको पता चल जाएगा मैंने डेमो पेपर को इंक्लूड करते हुए स्क्रीनशॉट लेकर पेपर का जो है पीडीएफ के साथ आपको बताया, तो और बातें सारी क्लियर आपकी हो जाएगी। अब आपके जो कंफ्यूजन आ रहे थे कंपलसरी पेपर को लेकर, तो साथ ही कंपलसरी पेपर में जो भी है आपके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों में दो दो पेपर कंपलसरी होते हैं, जैसे सामान्य हिंदी प्रारंभ अध्ययन फर्स्ट ईयर, सामान्य अंग्रेजी प्रारंभिक कंप्यूटर सेकंड ईयर जो होते हैं जो कंपलसरी पेपर होते हैं उनके आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे, ओएमआर शीट आपको दी जाएगी। उस ओएमआर शीट में आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे उसके हिसाब से आपको कम्प्लीटली उसमें टिक मार्क करने होंगे, जैसे आप कंपटीशन एग्जाम में करते आए तो आपको अच्छे से जानकारी होगी ओएमआर शीट को फिल करने का तरीका। तो परीक्षा की जो अधिकतम अवधि है वो 2 घंटे की होगी, और जो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको 70 क्वेश्चन मिलेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। तो यहाँ पर इनमें आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको पूरे के पूरे जो है 70 के 70 क्वेश्चन करने हैं और उनको टिक मार्क आपको गोले लगाने हैं, वहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। मतलब ये बात क्लियर हो जाती है जो आपके कंपलसरी पेपर हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाले हैं, थ्योरी पेपर है वो आपके
पार्ट है बी सी, और वो कम्प्लीटली आपको जो रिटर्न पोर्शन में आपको देखने को मिलेंगे। बाकी हमारा डेमो पेपर वाला वीडियो देख लोगे तो आपको, मेरा वादा है, आपसे कोई कंफ्यूजन आपका नहीं रहने वाला है। पहले इस वीडियो को देख लेना, फिर डेमो पेपर का वीडियो और एंसर रिटर्न का भी वीडियो आप जरूर पॉज करना। पॉइंट नंबर 4 कह रहा है लाइब्रेरी साइंस के जो कोर्सेज हैं जैसे बी लिस है और डी लिस है, उनके जो है प्रैक्टिकल के जो है कम्प्लीटली एग्जाम के लेकर आपके कंफ्यूजन थे, तो यहाँ पर आपके जो प्रायोगिक कैंप लगता है, जो संपर्क शिविर लगता है, जो नोट लाइब्रेरीज के कोर्सेज उनके लगेगा, तो उस संपर्क शिविर के होने के बाद ये जो आपके एग्जाम है दिसंबर 2022 वाले वो आयोजित करवाए जाएंगे। तो ये यूनिवर्सिटी की तरफ से सूचना दी गई है। जैसे ही जो भी अपडेट आएगी फ्यूचर में, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको अपलोड करके और पूरी इंफॉर्मेशन दे दूंगा। बाकी साथियों यहाँ पर ये कह दिया गया कि आपको परीक्षा सेंटर पर 30 मिनट पहले पहुंच जाना है अपनी वैलिड आधार कार्ड आईडी के साथ लेकर, और एडमिट कार्ड भी आपके बहुत जल्द वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। अपनी फोटो आईडी के साथ आपको अपने सेंटर पर चले जाना है। एडमिट कार्ड बहुत जल्द वेबसाइट पर आ जाएंगे। बहुत जैसे एडमिट कार्ड वेबसाइट पर अवेलेबल होंगे मैं आपको निश्चिंत ही अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट दे दूंगा, तो आप ये जरूर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब मैं बात कर लेता हूं एक वीडियो जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं, डेमो पेपर का वीडियो आपको देखने के लिए, क्योंकि आपका एग्जाम है तो मुझे आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। ये वीडियो है, मैंने 4.4 के व्यू है, 2 हफ्ते पहले मैंने इस पैटर्न के बारे में पूरी जानकारी दे दी है। तो इस वीडियो में आपको डेमो पेपर के साथ मैंने बता रखा है किस प्रकार का क्या पैटर्न है, कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, शब्द सीमा वगैरह इस एग्जाम पैटर्न के। इस वीडियो को आप वॉच कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा, तो आपको वहां से वॉच कर सकते हैं आप। बाकी आप एक कन्फ्यूजन रहता है कि आंसर रिटर्न कैसे करें, तो आप ये अगर टॉपर्स कॉपी का जो ये आंसर रिटर्न का मैंने वीडियो आपको बताया, एग्जाम टिप्स कोई भी एग्जाम हो आपका यूनिवर्सिटी रिलेटेड, तो आप ये आंसर रिटर्न इस हिसाब से करेंगे तो आपके निश्चिंत ही 10 नंबर इंप्रूव होने के पूरे चांसेस रहेंगे। तो ये वीडियो भी आप वॉच कीजिएगा, आंसर रिटर्न का पूरा बेहतरीन ढंग से अच्छा तरीका मैंने इसमें बिल्कुल देसी भाषा में बता रखा है। बाकी आप हमारा एजुकेशन जॉब हेल्प लाइन जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना, इसमें आपको कंप्लीटली वीओएमई संबंधित सारी अपडेट देखने को मिलती है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया कीजिए साथियों, ताकि हमें और सपोर्ट मिल सके और हम अच्छे से काम कर सके। यहीं इसी चैनल पर मैंने अपने जो पीडीएफ है टाइम टेबल की, वो भी मैंने आपको उपलब्ध करवा रखी है। बाकी जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा तो उसका लिंक वगैरह भी मैं इसी चैनल पर आपको उपलब्ध करवाऊंगा। तो साथियों आज का ये वीडियो कैसा लगा, किस प्रकार से कैसी इंफॉर्मेशन रही, अपने सुझाव, अपने जो शिकायतें हैं वो भी जरूर हमसे शेयर कीजिएगा, ताकि और बेहतरीन ढंग से हम काम कर सकें। बाकी आपके सुझाव सादर आमंत्रित है। मिलेंगे और किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।